दोस्तों, मैं उत्कर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इलेक्ट्रोफिजिक्स के एक फ्रेश कमाल एपिसोड में। और ये आज इलेक्ट्रो टॉक्स होने वाली है और इसमें ज्यादातर मैं आपको, जैसे पता होगा कि मैं अनफिल्टर्ड टॉक्स करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स रिलेटेड से जितनी भी थ्योरी होती है वो कवर करते हैं हम, जितनी भी रैंडम फैक्ट्स नॉलेज वो सब यहाँ पे हम बात करते हैं उनके बारे में। तो यार आज जो टॉपिक मेरे पास है वो ये है कि व्हाई यू शुड चूज electrophysics.in। तो जहां तक आपको यार नहीं पता, तो electrophysics.in मेरी साइट है, मेरी खुद की अपनी साइट है, मर्चेंडाइज कह सकते हो, साइट कह सकते हो, या फिर मेरी अपनी कोई फाउंडेशन है, खुद की एक कंपनी है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एम्पलीफायर बोर्ड्स, इन्वर्टर बोर्ड्स, रोबोटिक पार्ट्स में डील करती है और आपको ये प्रोवाइड करती है सारी चीजें, ठीक है। तो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने डिटेल बता रखा है, उसमें आप देख सकते हो। तो यार मैं आज इसी के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत अनफिल्टर्ड टॉक्स रहेगी। अगर मैं शायद कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज उसके लिए माफ करना, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर एडिटिंग नहीं करूंगा इस पे। जो मेरे मन में था, जो भी चीजें मैं नोटिस कर रहा था वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। पहले एक टॉपिक लेंगे, एक टाइटल लेते हैं कि आपको हमें क्यों चूज करना चाहिए। और भी कई सारी साइट्स हैं, नाम नहीं लूंगा, 50 से 60 साइट्स इंडिया में रन कर रही हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रोबोटिक पार्ट्स में ही डील कर रही हैं, ठीक है। उसका मैं आपको पहले रीजन बता देता हूँ। देखो पहला रीजन क्या है, एक फेस पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। कुछ देखो, अब मेरे को पता है कि मेरे साइट से लोग क्यों नहीं ले रहे। देखो रीजन तो यही है कि मैं एक 19 ईयर ओल्ड हूँ और इतने छोटे बच्चे पे कौन विश्वास करेगा, ठीक है। जनरल रीजन मुझे पता है, यही है कि मैं एक 19 ईयर ओल्ड हूँ। तो कुछ लोगों को वही डर लगता है कि मतलब इनकी, इसकी जो साइट है वो रियल है, जेन्युइन है, नहीं, या फिर हमारे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो भाई मैं पहले से बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। जो भी मुझे, मतलब इतना चैनल बनाया है मैंने, इतने रोज आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरी तो यार फेस वैल्यू होनी चाहिए कि मेरे पे भरोसा रखो। अगर जो मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं या फिर विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, तो वो अभी भी ऑर्डर कर रहे हैं साइट से। बट जो मेजोरिटी ऑफ केस है वो ऑर्डर इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो कोई बात नहीं यार, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप इलेक्ट्रोफिजिक्स फॉलो कर रहे हो, मैं तो हूँ यहाँ पे, मैं उत्कर्ष गोंडल, मैं गारंटी लेता हूँ आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई स्कैम नहीं होने वाला। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मेरी फेस देख लो, मैं हूँ यहाँ पे। तो यार electrophysics.in इसलिए स्टार्ट की थी मैंने यार कि, मतलब देखो, एज अ इलेक्ट्रॉनिक हॉबीस्ट, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक हॉबीस्ट हूँ, सामान नहीं मिलता था, मिलता है, ऑनलाइन मिलता है। तो देखो दिल्ली से दूर रहते हो तो सामान ही नहीं मिलता, सबसे पहली बात, ठीक है। दूर रहते हो महंगा मिलता है, बहुत ज्यादा ही महंगा मिलता है सामान, मैंने देखा है बार कुछ साइट्स में, मतलब 10-10, 15-20-20 रुपए बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरी चीज, इतनी ज्यादा वो डिलीवरी ले लेते हैं, भाई मैं क्या ही बताऊं, इतना सा पैकेट होगा उसके 100-150 रुपए होते हैं इतने से पैकेट के। तो वो मैंने चीज मिनिमाइज करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यार एक चीज बताना भूल गया, एक चीज करना भूल गया, बस कोरोना का टाइम चल रहा है यार, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी थी कोविड की वजह से, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बहुत सारा बहुत अनस्टेबिलिटी हो रही थी मेरी लाइफ में, इसलिए नहीं बना रहा था मैं। इसलिए मैंने अब आज सोचा कि यार आज थोड़ा ऑनेस्ट टॉक करते हैं आपके साथ, अनफिल्टर्ड टॉक्स करते हैं, क्योंकि ये चीज मैं फेस कर रहा था और ये बहुत जेन्युइन चीज है, ठीक है। ये एज एन यूट्यूबर, एज अ आपका भाई होगा, कुछ का छोटा भाई होगा, कुछ का बड़ा भाई होगा, तो ठीक है, तो एज अ उसके हिसाब से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और किसी के हिसाब से बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो सिर्फ नॉर्मल एक पर्सनल बातें भी चलेंगी, कोई इशू नहीं है। इस इलेक्ट्रोटॉक्स की सीरीज में हम हर चीज बात करेंगे, तो जो पूछना कमेंट में पूछना, मैं अगली वीडियो में वो आपका क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, ठीक है। तो यार कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मेरी साइट से खरीदना है, अगर आप दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप लाजपत राय मार्केट से खरीद सकते हो, वही रेट मिलेगा, सेम रेट मिलेगा। तो मैंने बहुत ज्यादा यार कोशिश करी है कि वो जो ऑफलाइन जो रेट्स मिलते हैं उनके आसपास रहे, ठीक है, क्योंकि एक रीजन बताता हूँ यार, जितनी भी मार्केट्स होती हैं उसमें आपको जीएसटी पेड बिल नहीं मिलता है, बट जो हमारी साइट है उसमें आपका जो टैक्स होता है वो इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो इसमें चीज यार ये आती है कि हम इंपोर्ट करवाते हैं तो ट्रेड नहीं, यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन थोड़ा कट जाता है, बट हम इम्पोर्टर है तो जितने भी कॉम्पोनेंट्स होंगे वो इम्पोर्ट वाले होंगे, ना कि ट्रेड वाले, ठीक है, ये चीज हो गई। चलो दूसरी चीज यार मेरी क्या है कि देखो, अगर हम इम्पोर्ट करवा रहे हैं तो कोशिश रहती है यार 100% 99% मेरी कोशिश रहती है कि वो बिल्कुल रेट जो है वो एग्जैक्ट रेट हो जो आपको अपने ऑफलाइन मार्केट्स में मिलते हैं। तो मैं ऐसा कोई कंपेल नहीं कर रहा, आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि यार आपको मेरी साइट से लेना है, आपको सस्ता मिल रहा है आप ऑफलाइन मार्केट से लो, आपको सस्ता मिल रहा है आप लाजपत राय मार्केट से लो। इनिशियल डेज में मैं लाजपत राय मार्केट से लेता था, ठीक है, तो वहां से लो अगर दिल्ली या दिल्ली के आसपास लेते हो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा मेरी साइट से लो, ठीक है, चलो ये बात हो गई।
तो यार रेट्स तो सस्ते हैं, दूसरी चीज डिलीवरी भी सस्ती है, ₹50 मैंने स्टैंडर्ड डिलीवरी रख रखी है। बट अगर आप सीओडी करते हो यार उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, हमारे खुद के लगते हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है हम खुद से नहीं देंगे, वो आपसे हम लेंगे। तो ₹30 मैंने सीओडी भी रख दी है, अगर ज्यादा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है प्लीज। बाकी सारी लिस्टिंग लगा रखी है साइट में, आप देख सकोगे लगभग सारा सामान लग गया, थोड़ा बहुत बचा है वो लॉकडाउन की वजह से बचा रखा है, क्योंकि यार लॉकडाउन लग रखा है कहीं कुछ कर ही नहीं सकते हैं ऑब्वियसली बात है, ठीक है। वो भी आज मैं इतनी मुश्किल से अभी घर आया हूँ जस्ट, क्योंकि मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर पे घर है, तो मैं जस्ट आया हूँ। दूसरी चीज यार हमें क्यों चूज करना चाहिए, ठीक है, तो यार साइट का बताता हूँ। साइट में मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया कि भाई साइट में फेक ऑर्डर्स बहुत आ रहे थे, अब मुझे समझ नहीं आया भाई तुम क्यों मजे ले रहे हो। मतलब देखो मान लो मैं 19 ईयर ओल्ड हूं, बट तुम मजे ले रहे हो, फ्रॉड एड्रेस, फेक फोन नंबर, फेक मैसेजेस, स्पैम ईमेल्स, इतना मत करो, ठीक है। अब उनको जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, उनको जितना लगता है ना कि वो बहुत ज्यादा हमसे स्मार्ट है, हमें नहीं पता कौन है वो, उनकी आइडेंटिटी कभी रिवील ही नहीं होगी कि वो कौन है, भाई फेक एड्रेस, फेक डिलीवर एड्रेस, उसमें हमारा कॉस्ट लगती है, तो इनको लगता है कि बच जाएंगे, बट ये बचते नहीं है। जब भी आप देखो, जो भी अभी देख रहा होगा, वो जिसने भी फेक ऑर्डर करे हैं, 2-3 फेक ऑर्डर्स आए हैं, वो तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि फेक ऑर्डर्स हैं, तो 2-3 फेक जितने भी आपने करे हैं, या तो वो सेम बंदा है या फिर कई सारे वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप साइट पे कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो आपका आईपी एड्रेस ना वहां पे नोट हो जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, कभी अभी पीसी खुलाया भी दिखाता हूं मैं थोड़ी देर में, आईपी एड्रेस आपका नोट हो जाता है, तो उस आईपी एड्रेस से आप पे हम कोई भी लीगल एक्शन कर सकते हैं फ्रॉड का, तो फ्रॉड का केस आप पे बन सकता है, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग लग रही है। और फेक एड्रेस अगर आप हमारी साइट का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, ज्यादा कोई लीगल एक्शन लेना पड़े, बट अगर कुछ फ्रॉड और आएंगे मुझे, तो मेरे को यार लेना पड़ेगा उनके लिए लीगल एक्शन। और जिस जिसको लग रहा है कि भाई हम नहीं बच पाएंगे, हम तो हैकर हैं, है मैं गेम क्विट कर रहा हूं, मैं हैकर हूं, पट से हेडशॉट नहीं हो सकता, बता रहा हूं, आईपी एड्रेस आया था पकड़े जाओगे, इसलिए बोल रहा हूं, एज अ यूट्यूबर बोल रहा हूं, वार्निंग समझ लो, प्लीज समझ लो, मेरी प्लीज रिक्वेस्ट समझ लो, मत करो, अपने आप को प्रॉब्लम्स में मत डालो, मैं ज्यादा परेशान हो जाऊंगा, अनॉय हो जाऊंगा, तो यार मेरे को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, माफ करना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये बात हो गई, बहुत छोटी बात है। देखो फेक ऑर्डर मत करो, अगर करना है तो मत ही करो ना यार, मजे क्यों ले रहे हो, मत लो मजे। तो मैं इस बात को ज्यादा नहीं करूंगा, जिसने भी देख लिया वो भाई समझ जाएगा, मत करो, ठीक है, चलो ये बात ठीक है। तो रेट्स में टैक्स इंक्लूडेड है, वो 18% टैक्स इंक्लूडेड होता है वो रेट्स में, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ है, आपको बड़े हुए रेट जो दिख रहे होंगे ना हल्के से, पर ये मैं गारंटी देता हूँ कि उन साइट से फिर भी सस्ता मिलेगा, लिख के ले आओ, उनसे सस्ता मिलेगा, कुछ चीजें उनके बराबर होगी, कुछ चीजें उनसे सस्ती होगी, लिख के ले आओ मेरे से, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, डोंट वरी, और अब गोस्ट नहीं होगा, अब रेगुलरली वीडियोज डालूंगा, हर वीडियो में खैर यही बोलता हूँ मैं यार, कोई बात नहीं, अब ट्राई करेंगे। अब तो कॉलेज की भी छुट्टी हो गई, मेरी क्लासेस सस्पेंड हो गई है 15 तारीख तक, ऑनलाइन क्लासेस मेरी नहीं, मतलब सबकी हो गई है। तो मैं आईपी में हूँ, आईपी यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, नहीं GGSIPU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें हूँ। तो उनकी 15 अप्रैल में क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है, 15 तक क्लासेस कैंसिल हो रखी है, सस्पेंड हो रखी है, तो वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, ठीक है, अभी मेरे ख्याल इसके बाद एक और वीडियो मिल जाएगी प्रोजेक्ट। तो दूसरी चीज यार मैं एक माफी भी मांगना चाहता हूँ कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के कारण थोड़ा स्टॉक का शॉर्टेज रहता है, हमारा जो सामान है वो शॉर्टेज रहता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी भाई थोड़ी कम हो रखी है। और एक चीज और कि यार थोड़ी शिपिंग डिले हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऑफिस में कोई नहीं है, मैं घर से ही अपना ये जो हमारा गोडाउन है वहां पे कोई नहीं है, मैं यहीं से ही अपना जितना यहीं सोता हूँ, यहीं रहता हूँ पूरे दिन, यहीं से जितने पैकेट है वो मैं खुद, अब मुझे खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं और किसी को नहीं बुला सकता यहाँ पे पैक करने के लिए, समझ लो ना, तो उसका थोड़ा दिक्कत चल रही है, इट्स ओके। और बाकी यार मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी स्टार्ट किया था, कर रखा है, मतलब चल रहा है उसमें भी ज्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी फिलहाल, बाकी देखते हैं यार आपका सपोर्ट होगा तो क्यों नहीं बढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा था ओनर स्टॉक्स करते हैं। तो यार electrophysics.in मैं क्या ही बोलूं इस पे, कि आपको देखो मैं बस ये बोलूंगा, आपको पसंद आ रहा है, आपको सस्ता लग रहा है, आप लोग
नहीं लग रहा तो मैं क्या बोल सकता हूँ यार, आप मार्केट से ले लो, ऑफलाइन मार्केट से, आपको भरोसा नहीं हो आप दूसरी साइट से ले लो, पर प्रोजेक्ट्स बनाते रहो भाई, इनोवेटिव कुछ सोचते रहो, बस यही चाहता हूँ मैं, बस यही, और कुछ ज्यादा ठीक है। मेरे को एज एन इलेक्ट्रॉनिक हॉबिस्ट मैंने देखा था कि भाई दिक्कतें क्या क्या होती है, सामान नहीं मिलता प्रॉपर सामान, एक साइट पर सारा सामान नहीं मिलेगा, कुछ कुछ अलग अलग साइट से मंगाते रहो, फिर वो आने में 3-4-5 दिन, हमारा क्या है 2-3 दिन में पहुंच जाता है सामान, अभी नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अलावा अगर नॉर्मल हो 2 दिन मैक्स टू मैक्स 3 दिन में पहुंच जाएगा सामान अमेजोन जैसी डिलीवरी है। तो कुछ पूछ रहे थे यार कि डिलीवरी किससे लेता हूँ मैं, डिलीवरी लेता हूँ भाई शिप रॉकेट से। शिप रॉकेट क्या है, शिप रॉकेट में कई सारे हमारे डिलीवर कुरियर्स होते हैं, तो ऐसा सच कोई एक नहीं है कि डिलीवरी है या फिर DTDC है या फिर ब्लू डार्ट है, तो कई सारे आ जाते हैं, वो आपके पिन कोड पे डिपेंड करेगा कि कहां पर है ठीक है। और इसका फ्यूचर क्या है, बस ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब अब तो यही बोलना चाहता हूँ भाई कि वाई यू शुड चूज इसमें, तो यही कि भाई भरोसा है तो ले लो, सस्ता है तो ले लो, नुकसान मत करवाना अपना ठीक है, नुकसान कभी मत करवाना, ये मैं बोल रहा हूँ, नुकसान मत करवाना, भरोसा है ले लो, नहीं पसंद आ रहा ओके, फेक ऑर्डर मत करो प्लीज ठीक है, बहुत कॉस्टिंग लगती है उसमें, बहुत वेस्ट होता है, फिर ऊपर से फेक ऑर्डर करोगे तो फिर मेरा मन भी खराब होगा और आपके लिए भी प्रॉब्लम्स इश्यूज बढ़ेंगे। तो भाई यही बात करनी थी बस, मैंने सोचा कर लेते हैं आज ऑन स्टॉक्स, दे रहा था कि प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, अपडेट दे दी बस ठीक है। प्यार वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा, और अगली वीडियो जल्दी मिलेगी, 2-3 दिन बाद पक्की मिल जाएगी, टन सीन है डन, प्रोजेक्ट की मिलेगी ठीक है, कुछ वायरिंग सिखाऊंगा बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।